नमस्कार दोस्तों, यह है मोशन ग्राफिक्स गुरुकुल और मैं हूं मौलिक शाह। और आज हम क्रिएट करने वाले हैं ट्रेंडिंग इन 2023 टेक्स्ट एनिमेशन ऑन पाथ इन एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल और ट्रेंडिंग टेक्स्ट एनिमेशन है। आप अगर इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे जाते हो तो वहां पे जो उनके क्रिएटर्स हैं उनकी रील्स के ऊपर ये टेक्स्ट एनिमेशन आपको बहुत ही रेगुलरली देखने को मिलेगा, जिस जो कह सकते हैं कि उनका ट्रेडमार्क बन चुका है। स्पेशली जैसे अभी आपको स्क्रीन के अंदर दिख रहा है, उनके अपकमिंग ट्रेंड्स के लिए वो एज अ यूज करते हैं इंस्टाग्राम एंथम्स काइंड ऑफ थिंग या इंस्टाग्राम ट्रेंड्स काइंड ऑफ थिंग। तो ये बहुत ही यूजफुल और अमेजिंग ट्रेंडिंग टेक्स्ट एनिमेशन है। प्लस आगे जाके एट द एंड ऑफ द ट्यूटोरियल मैं आपको बताऊंगा कि आप इसे कैसे अपने प्रोफेशनल फ्रीलांसर प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज करते हुए अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हो जस्ट विद इन अ मोमेंट। बहुत ही अच्छा ट्यूटोरियल है। इसके लाइव फाइल को सेव कर लोगे तो बहुत ही क्विकली चेंजेस करके आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट में यूज करना आसान हो जाएगा। तो चलते हैं अभी हम हमारे ट्यूटोरियल कॉम्प के अंदर गाइस। तो यहाँ पे आ चुके हैं और सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा टेक्स्ट यहाँ पे टाइप कर देता हूँ जो है इंस्टाग्राम। आप अपने हिसाब से जो भी करना चाहो, मोशन ग्राफिक्स आपका प्रोडक्ट का नाम अपने हिसाब से यूज करो। और एक मजे की चीज है, मैं क्रिएट कर रहा हूँ, मेरे साथ साथ क्रिएट करो, आपको बहुत मजा आएगा। ट्रायल एरर, क्योंकि मैं कभी भी प्री रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूँ ना एडिटेड। जो मैं बनाता हूँ उस टाइम पे जो लगता है, जो मिस्टेक्स होती है मैं करेक्ट करता हूँ, वही चीज मैं अपलोड करता हूँ। तो आपको भी पता चलेगा कि मिस्टेक्स को कैसे आप चेंज करते हो, पैरामीटर्स कैसे चेंज करते हो जैसे जैसे आपकी जरूरत पड़ती है। तो ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। और उसके बाद आप अपना खुद का क्रिएशन क्रिएट करो अपने हिसाब से, अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से। तो मैंने ये टेक्स्ट सबसे पहले क्रिएट कर लिया। अब क्या करता हूँ, उसको सबसे पहले मैं अलाइन कर देता हूँ सेंटर के अंदर। यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं उसको, मैंने कंपोजिशन के भी सेंटर में अलाइन कर दिया। अब मुझे क्या चाहिए, अभी टेक्स्ट ऑन पाथ इन द सेंस, अभी वो सर्कल में दिख रहा था तो मुझे ये टेक्स्ट चाहिए मेरे सर्कल के ऊपर। तो भाई सिंपल सा फंडा है, टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे चलते शेप टूल के अंदर, यहां से मैं इलिप्स सिलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद क्या करना है, जहां पे ये आपका एंकर पॉइंट है ना बराबर, वहीं से आपको क्या करना है, पाथ ड्रॉ करना है। तो वहां पे अपना कर्सर ले जाओ और देन शिफ्ट दबा के ड्रॉ करना शुरू करो। अब साथ में कंट्रोल दबा दो, ठीक है ना। तो जहां से आपने शुरू किया था वहीं पे क्या होगा, वो प्ले होना बनना, आपका मास्क बनना शुरू हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है कंपोजिशन को, यहाँ पे आप देखो मेरा टेक्स्ट प्रॉपर तरीके उसके ऊपर अप्लाई हो गया, मतलब मास्क बिल्कुल सेंटर में बना हुआ है। अब मुझे क्या करना है, मेरे टेक्स्ट यहाँ पे चाहिए राउंडनेस के ऊपर, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टेक्स्ट की प्रॉपर्टी में जाना है, यानी हमारे जो टेक्स्ट लेयर है उसकी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी में। यहाँ पे आपको पाथ ऑप्शन मिलते हैं, उसके अंदर आपको क्या करना है, पाथ के अंदर नन की जगह पे आपको सिलेक्ट करना है मास्क वन, ठीक है। तो ये हो गया। बट अब दूसरी चीज ये है कि अगर मैं उसको ऊपर ले जाऊंगा, बट ये अंदर की तरफ है, मुझे बाहर की तरफ चाहिए बराबर। तो आप क्या करोगे उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है रिवर्स पाथ, तो उसके ऊपर क्लिक कर दो। जैसे ही आप क्लिक करोगे देखो वो ऊपर की तरफ आ गया, बाहर की तरफ आ गया है। अब मुझे क्या चाहिए, ऊपर चाहिए। तो सबसे पहले चीज है यहाँ पे फर्स्ट मार्जिन, तो उसको भाई क्या करो, मूव करने लगो। तो देखो ये ऊपर की तरफ यहाँ पे पहुंच गया। अब दूसरी चीज मुझे क्या करना है, उसको स्पेसिफिकली स्प्रेड करना है यहां तक, ये जो दो पॉइंट्स दिख रहे हैं वहां तक उसको स्प्रेड करना है। तो उसके लिए हम जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे, हमारा जो कैरेक्टर पैनल रहता है उसके अंदर हमारा जो ये वाला ऑप्शन रहता है सेट ऑफ द ट्रैकिंग, ट्रैकिंग का ऑप्शन जो रहता है, जो हर एक अल्फाबेट के बीच में डिस्टेंस क्रिएट करता है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, वैल्यूज बढ़ाते हुए चले जाओ, ठीक है। मैं ऑलमोस्ट अप्लाई कर देता हूँ सपोज लाइक 500, लेट्स अप्लाई द 500। तो आप देखो प्रॉपर तरीके से क्या हो गया, यहाँ पे मेरा टेक्स्ट ऑलमोस्ट चला गया। थोड़ा कम करना है मुझे, तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ 400 अभी के लिए, ठीक है। तो ये 400 बेटर है मेरे लिए। तो यहाँ पे हो चुका है मेरा टेक्स्ट का प्रॉपर तरीके से अप्लाई हो चुका है। अब मुझे क्या करना है भाई, उसका बिल्कुल रिप्लीकेट मुझे चाहिए कि ट्रेंड्स मुझे ना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, सिंपल सी चीज है, इसी लेयर को सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल डी करके एक बार क्या कर देते, डुप्लीकेट अप्लाई कर देते गाइस। अब मैंने डुप्लीकेट अप्लाई कर दिया, उसके बाद का चीज क्या है, यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूं और मैं टाइप कर लेता हूं मेरे फॉन्ट जो है, वर्ड जो मेरा है ट्रेंड्स, लेट्स बैक अगेन और यहाँ पे टाइप करते हैं। तो मैंने ट्रेंड्स टाइप कर लिया। अब मुझे वो कहाँ पे चाहिए, नीचे की तरफ चाहिए। तो वापस चलेंगे वही टेक्स्ट के पाथ वाले ऑप्शन में और यहाँ पे मेरे पास वापस फर्स्ट मार्जिन है, तो उसको मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे नीचे की तरफ चेंज कर दूंगा। तो ये भाई यहाँ पे नीचे आ गया है बराबर। अब मुझे क्या करना है, दोनों को इक्वली प्रॉपर तरीके से सेटल करना है। तो अब इसका वैल्यू मैं बढ़ाऊंगा तो सामने इसका भी मेरे को एडजस्टमेंट सेम दिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हो जाए। तो सबसे पहले काम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं हम लोग और इसका मैं वैल्यू बढ़ाता हूँ ऑलमोस्ट लाइक 600 कर देते हैं सबसे पहले। हाँ भाई, तो ये यहां तक जा रहा है। अब वापस वही ट्रेंड वाला सिलेक्ट कर लो और इसको क्या करोगे, सेम वैल्यू यहाँ पे अप्लाई करो 600।
सिमिलर दिखना चाहिए गाइस हमारे लिए मेन वैल्यू। हाँ तो देखो अभी ये बेटर दिख रहा है और प्रॉपरली मैनेज भी हो रहा है। दूसरी चीज मुझे यहाँ पे दो डॉट्स भी ऐड करने थे, उसके लिए भी जगह चाहिए। तो हाँ भाई प्रॉपर दोनों के बीच में स्पेसिंग रह रही है, मैं दो डॉट ऐड कर पाऊंगा तो दिक्कत कोई है नहीं। अब भाई एनिमेट करना है इसको, ठीक है। जैसे हमने देखा स्टेप बाय स्टेप एक एक अल्फाबेट एनिमेट हो रहा था वर्ड का, तो अब ये एनिमेट करते हैं हम लोग। तो कैसे करेंगे इसको, तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है। हम स्टार्ट करते हैं कौन से वाला, इंस्टाग्राम वाला जो मेरा फॉन्ट है उससे हम स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, मैं टोटल नंबर ऑफ फॉन्ट यहाँ पे गिन लेता हूँ, 3, 3, 6 और 3, 9 है फॉन्ट्स हैं इसके अंदर। तो मुझे क्या करना है, हर 10 फ्रेम के बाद, अभी के लिए कैलकुलेशन रखते हैं, हर 10 फ्रेम के बाद पूरे वर्ड का एक एक अल्फाबेट क्या होना चाहिए, रिवील होना चाहिए। तो उसके लिए अभी सबसे पहला काम क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करते हैं और हम 90 फ्रेम्स मतलब 9 फॉन्ट्स हैं, 9 अल्फाबेट से 10-10 फ्रेम आगे जाने, टोटल 90। तो पूरी 90 फ्रेम्स के बाद ये पूरा का पूरा वर्ड रिवील हो चुका होगा। तो हम चलते हैं 90 फ्रेम्स आगे। तो यहाँ पे क्या करोगे, सीधा जो ये आपका इंडिकेटर है, टाइम इंडिकेटर, यहाँ पे 90 टाइप कर दो, तो सीधा क्या हो गया, मैं 90 फ्रेम के ऊपर आ चुका हूँ। ओके, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, जो ये सोर्स टेक्स्ट वाला ऑप्शन है यहाँ पे मैं की दे देता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, शिफ्ट एंड पेज अप, तो 10 फ्रेम में आगे आ गया हूं। और यहाँ पे क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करो टेक्स्ट को, यहाँ पे क्लिक करो और एक बार बैकस्पेस दबा दो, तो एम निकल गया है। फिर से हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लो फिर से और क्या करोगे, शिफ्ट पेज अप, और वापस क्या करोगे, डबल सिलेक्ट, और यहां से क्या कर दोगे, एक और टेक्स्ट हटा दो, ठीक है। तो ये प्रोसीजर मैं क्विकली करके वापस आता हूँ गाइस। ओके गाइस, तो अभी देखो ये एनिमेट होते हुए दिखेगा आपको बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से, क्या हो रहा है हमारे एक एक करके अल्फाबेट रिवील हो रहा है और पूरा, फिर उसके बाद 90 सेकंड के बाद 90 फ्रेम के बाद हमारा पूरा का पूरा क्या हो रहा है, वर्ड रिवील हो जा रहा है। तो वही चीज आपको अप्लाई करनी है। दूसरी मेन चीज आप यहाँ पे देखोगे, लास्ट जो मेरा फॉन्ट है यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मेरे को क्योंकि गायब करना है, स्टार्टिंग में एक भी वर्ड दिखना नहीं चाहिए। तो जब आपका आई आ जाए उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट की जब अप्लाई करते हो वहां पे भी उसको पूरा का पूरा निकाल दो बैकस्पेस मार के। तो क्या होगा, एक एक हर 10वीं फ्रेम के ऊपर एक नया अल्फाबेट वर्ड के अंदर ऐड होता जाएगा और आपका एनिमेशन क्या होता हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से जनरेट होता हुआ जाएगा। तो बिल्कुल वैसे ही क्या करना है हमको, इसको भी वैसे ही हमें रिवील करना है। तो मैं उसको भी फास्टली क्रिएट करके वापस आता हूँ गाइस। सो अब आप देख रहे हो गाइस कि दोनों ब्यूटीफुली रिवील हो रहे हैं एक एक करके। बट अब जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था, पहले इंस्टाग्राम रिवील होना चाहिए, उसके बाद ट्रेंड्स रिवील होना चाहिए। तो क्या करेंगे, दोनों की प्रॉपर्टीज ओपन करते हैं, एनिमेट प्रॉपर्टीज सोर्स टेक्स्ट की, और क्या करेंगे इसको थोड़ा ड्रैग कर लेते हैं और जो ट्रेंड वाला टेक्स्ट है बराबर उसके ऊपर लेयर है, उसके जो लेयर लगे तो यहाँ पे क्या कर देंगे, उसको अप्लाई कर देंगे। तो अब अगर आप जैसे ही प्ले करते हो तो पहले इंस्टाग्राम रिवील होगा और उसके बाद क्या होगा, उसका ट्रेंड्स वाला टेक्स्ट रिवील होगा। बट दूसरी चीज, ये ट्रेंड्स मेरे को क्या दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है बराबर, तो उसको क्या करना है, मुझे सीधा करना है। तो उसके लिए क्या करो, तो उसके लिए क्या करना है, इसको सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं और उससे भी पहले हमारा जो इंस्टाग्राम वाला है उसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे जो प्रॉब्लम सॉल्व हमें करना था, यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर टू द पाथ दिख रहा है, उसको सबसे पहले ऑफ कर दो, ठीक है। तो पाथ से बिल्कुल 90 परपेंडिकुलर खड़ा रहेगा, ओरिएंटेशन में नहीं रहेंगे अल्फाबेट जो हम एक्चुअल में चाहिए था। तो ये हमें आफ्टर इफेक्ट ने पहले से ही बेटर तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, इसको क्लोज करते हैं। अब चलते हैं हमारे ये वाले लेयर के अंदर और यहाँ पे सबसे पहला काम क्या है, यहाँ पे हमने ऑन किया था रिवर्स पाथ क्योंकि हमें ये इंस्टाग्राम वाले फॉन्ट पाथ के ऊपर की तरफ चाहिए थे। तो यहाँ पे इसको ऑफ कर दो, तो भाई ये ऊपर की तरफ तो आ गए, मतलब स्ट्रेट तो हो गए, सीधे तो हो गए, ठीक है ना। बट अभी भी क्या हो रहा है, अलाइन ये अंदर दिख रहे हैं, ये कुछ ऐसे दिख रहे हैं, तो कैसे उसको मैनेज करेंगे। तो सेम चीज यहाँ पे भी परपेंडिकुलर टू द पाथ को क्या कर दिया हमने, ऑफ कर दिया। तो देखो बेटर तरीके से क्या हो गया, हमारा काम यहाँ पे सेटल हो चुका है। अब मेन चीज क्या है भाई, दो डॉट हमें यहाँ पे सेटल करने हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे भाई, टेक्स्ट टूल हमारा रेडी है, यहाँ पे चलते हैं और एक डॉट को हम क्या कर लेंगे, टाइप कर लेते हैं यहाँ पे, हो गया। अब सबसे पहले इसको मैं क्या कर दूंगा, अलाइन कर दूंगा यहाँ पे, फिर इसका पोजिशन प्रॉपर्टी लेयर का ओपन करते हैं और यहाँ पे इसको ड्रैग करते हुए लेके चलते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट लाइक दिस, और फिर क्या कर देंगे उसको थोड़ा नीचे की तरफ ड्रैग कर लेते हैं भाई, दोनों के प्रॉपरली लगना चाहिए कि हाँ भाई वो जा रहा है पाथ के अंदर। तो भाई ये वाला डॉट यहाँ पे सेट हो गया, चाहिए तो अब क्या करो, आप इसका साइज थोड़ा कैरेक्टर में जाके इंक्रीज कर लो, ये 73 है, मैं 83 कर देता हूँ इसको, कहा देखो प्रॉपर तरीके से विजिबल है। सेम चीज क्या करेंगे, इसका भी डुप्लीकेट कॉपी कर लो और इसका पोजिशन ओपन करो और इसको कहाँ पे सेट कर दोगे, ऑलमोस्ट यहाँ पे इसको भी सेट कर देना है सिमिलर डिरेक्शन के अंदर बराबर। तो ये दोनों चीजें हमारी सेटअप हो चुकी है। अब यहाँ पे हल्का सा आपको ओरिएंटेशन सेट करना है गाइस, देखो हर छोटी चीज में ध्यान रखना है, यहाँ गैप कम नजर आ रहा है, यहाँ पे गैप ज्यादा
नजर आ रहा है, तो मुझे उसको सेट करना है। तो ये मेरा जो ट्रेन वाला ऑप्शन है, नीचे कौन सा वाला टैक्स, ये वाला मेरा जो ट्रेन वाला ऑप्शन है उसके अंदर चलते हैं। और वहां पे जो हमने फर्स्ट मार्जिन मूव किया था, यहाँ पे इसको हल्का सा हम क्या करेंगे, मूव कर देंगे यहाँ पे कुछ इस तरह से। तो देखते हैं अभी, हाँ तो अब देखो प्रॉपर तरीके से दोनों के बीच में मुझे डिस्टेंस समझ में आ रहा है। तो बिल्कुल यही चीज हमें चाहिए और उसी हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, इसको अप्लाई कर रहे हैं। तो भाई दोनों हो गया, अब क्या करना है, अभी पहला डॉट कब रिवील होना चाहिए और दूसरा डॉट कब रिवील होना चाहिए। तो भाई ये एनिमेशन जब स्टार्ट होता है उससे पहले मेरा क्या होना चाहिए, जैसे ये पहुंचते दोनों एनिमेशन यहाँ पे खत्म होने की कगार पे, तब मुझे क्या करना है, मेरे दोनों के दोनों टैक्स मुझे क्या डॉट्स जो है वो रिवील करने के, पहले तो दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, दोनों का पोजीशन ओपन करता हूँ, हल्का सा नीचे की तरफ दोनों को ड्रैग कर लेते हैं हम लोग। ओके नाउ इट्स प्रॉपर। तो अब क्या करेंगे भाई, इन दोनों का ओपेसिटी हमें रिवील करना है। तो सबसे पहले इन तीनों को ओपन करते हैं उनका एनिमेटेड की। तो हाँ भाई यहाँ पे लग गया है, इसको एक बार लेट मी मेक इट डिलीट। ठीक है, तो ये डन है यहाँ पे। तो अब मुझे क्या करना है, इनको प्रॉपरली यहाँ पे, ये वाला जो यहाँ पे रिवील हो गया इसकी जगह पे यहाँ पे मुझे उसको प्रॉपरली एनिमेशन देना है। तो भाई पहले एक बार चेक कर लो, हाँ ये सही है भाई। तो अब ये जो दोनों डॉट है उसका ओपेसिटी प्रॉपर्टी हम ओपन करेंगे बाय प्रेसिंग टी। बराबर यहाँ पे ओपन कर लिया है और इसको यहाँ पे की दे देंगे और चलते हैं 10-20 फ्रेम आगे चले जाओ, जैसे आपको चाहिए वैसे। और यहाँ पे मैंने की दे दिया है। अब स्टार्टिंग वाले पे हम क्या कर देंगे, इसको जीरो कर देंगे दोनों वैल्यूज को। ठीक है, तो अब अगर इसका एनिमेशन प्ले कर रहे हैं हम गाइस, सी गाइस छोटी छोटी चीजों की एरर आपको दूर करते हुए जानी, तभी आपका काम बेटर और आसान होगा। और इसी को कहते हैं क्रिएटिव आर्टिस्ट। तो देखो दोनों डॉट्स ब्यूटीफुल तरीके से रिवील हो रहे हैं। हाँ टाइमिंग अगर थोड़ा ज्यादा लग रहा है आपको, तो हम क्या करें, 10 फ्रेम ही चलते हैं 20 फ्रेम की जगह पे और उसको ड्रैग करके यहाँ पे रख देते हैं। तो भाई ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, यहां तक का हमारा काम खत्म हो गया। अब बाद में आपने जैसे देखा था ये आ रहे हैं थोड़े स्लो में, बट वापस डायरेक्ट सफा करके क्या हो रहे हैं, वापस चले जा रहे हैं। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, इन्हीं चारों लेयर को एक बार क्या कर देते हैं, डुप्लीकेट कर देते हैं और इन चारों लेयर को यहाँ पे सीधा ऊपर लेके चले जाते हैं। ठीक है, अब ये क्या करेंगे भाई, इनो चारों लेयर की हम ओपन करते हैं प्रॉपर्टी, सबकी ओपन कर लेते हैं एक साथ। तो आप देखोगे भाई मेरा जो एनिमेशन ये वाला यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो वो वाला एनिमेशन कहां से स्टार्ट होना चाहिए, बिल्कुल यहीं से स्टार्ट होना चाहिए। तो उसके लिए भाई ये वाला देखो कीज वहीं पे है। तो अब क्या कर रहा हूं मैं, देखो स्मार्ट वे पे काम करते हैं, यहाँ पे इन दोनों को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, पहले तो ड्रैग कर लेते हैं इन दोनों को और कहां पे रखेंगे हम लोग, यहाँ पे थोड़ा पीछे की तरफ ले लेते हैं, ऑलमोस्ट कुछ फ्रेम का डिस्टेंस दे देते हैं। ठीक है, अब जहां पे ये खत्म हो गया उसके बाद अब इनको सिलेक्ट करता हूं पहले वाले डॉट की को, की फ्रेम असिस्टेंट में चलते हैं और क्या कर देंगे, टाइम रिवर्स की मैंने दे दिया उसको, सेम चीज यहां पे चलेंगे और यहां पे भी क्या कर देंगे, की फ्रेम असिस्टेंट और टाइम रिवर्स की। दूसरी चीज देखिए थी ये एक के बाद, स्टार्टिंग में इंस्टाग्राम पहले रिवील होता था फिर ट्रेन रिवील होता था, बट जब हमने एक्चुअल एनिमेशन जो उनका भी देखा सोशल मीडिया वाले का और अपने एनिमेशन, दोनों एक साथ गायब, दोनों एक साथ हो रहे हैं। तो अब उसके लिए क्या करेंगे भाई, सबसे पहली चीज ये है कि हमको दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या कर देना पड़ेगा, एक कर देना पड़ेगा। तो इसको भी मैं ड्रैग करके लेके जा रहा हूं और इसको भी मैं यहां पे रखूंगा, यहां पे रखूंगा। अब मेन चीज एक साथ जाने चाहिए, तो इसकी सारी चीज को सिलेक्ट करते हैं, ऑल्ट प्रेस करते हो, यहाँ पे ड्रैग करते हो, देखो दोनों अब एक साथ, जो भी होगा दोनों का एक साथ होगा, अब एक के बाद एक नहीं होगा ना ही टाइम लेगा। अब क्या करेंगे, इन चीज को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, की फ्रेम असिस्टेंट में चलते हैं एंड टाइम रिवर्स की, और साथ में इसकी भी की फ्रेम को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, की फ्रेम असिस्टेंट में चलते हैं, टाइम रिवर्स की। अब ये स्पीड में जाना चाहिए, यहाँ पे हमने ड्यूरेशन ज्यादा दिया है, इनका स्पीड थोड़ा जल्दी से गायब होना चाहिए। तो क्या करेंगे, इन सारी की इसको सिलेक्ट करते हैं गाइज हम यहाँ पे, और ऑल्ट प्रेस करके क्या करेंगे, इनका टाइमिंग हम बहुत ही कम कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये टाइमिंग हमने यहाँ पे कम कर दिया और एंड तक यहाँ पे चले जाते हैं। दूसरा चीज, इन सारे लेयर्स को क्या करते थे भाई, यहां से हमें जरूरत नहीं है तो ऑलमोस्ट यहां से हम उनको क्या कर देंगे, गायब कर सकते हैं। बराबर है कि नहीं, दोनों को सेम जगह से आपको स्टार्टअप देना पड़ेगा। तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पे इसको लेके चलते, थोड़ी देर तक दोनों विजिबल रहेंगे और उसके बाद क्या होगा, गायब होंगे दोनों। तो भाई यहाँ पे इसको चारों को, इन चारों को सिलेक्ट करते हैं, सॉरी इस लेयर को सिलेक्ट करो और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करो और यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको ट्रिम कर देते। सेम चीज यहाँ पे इनको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे नीचे के चार लेयर को, उनको इस तरफ से ट्रिम कर देते हैं। हो गया हमारा काम। तो अब देखते हैं एनिमेशन हमारा कैसे हो रहा है गाइस, फील हो रहे हैं, स्लो चाहिए, गायब होना है तो एकदम झपाक करके, तो अब ये बेटर दिख रहा है। ठीक है ना, बेटर तरीके से क्या हो रहे हैं, ये गायब हो रहे हैं, टाइमिंग हमने बहुत ही कम कर दिया, तो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से और स्पीड में वो गायब हो रहे हैं। तो भाई ये एनिमेशन हमारा हो गया और आई होप आपको मजा आया होगा। अब
मेन चीज अब स्किन के ऊपर देखो गाइस, मैंने अलग अलग ऑप्शन आपको दिए हैं कि आप कैसे उसको अपने प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज कर सकते हो। जैसे कोई कॉफी का ब्रांड है उसको रिवील कर सकते हो, कोई दूसरा जैसे मैं कह दूं कि आपका खुद का कोई टैक्स का लोगो है उसको आप रिवील कर सकते हो, तीसरा अगर आप देखोगे वहां पे तो कोई आपका थंबनेल है बराबर, या फिर आपका डीपी है उसको आपको रिवील करना है विद योर नेम, तो भी आप क्या कर सकते हो उसको रिवील यूज कर सकते हो, एज अ लोअर थर्ड भी आप उसको यूज कर सकते हो एक और एक्स्ट्रा थिंग। सो आई होप बहुत सारी चीजें इस ट्यूटोरियल के अंदर आपको समझ में आई होगी और आप अच्छी चीजें सीखे होंगे। और एक आज का मेन टिप, जब भी कुछ देखते हो ऑब्जर्वेशन रखो और उसको रिक्रिएट करने की कोशिश करो, तो आपका एज ए क्रिएटर का जो अंदर का क्रिएटर है ना वो और भी ग्रो करेगा और वो आपके लिए इंडस्ट्री में सर्वाइव करना बहुत ही यूजफुल रहेगा गाइस। सो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर, तब तक के लिए खुश रहो, आगे बढ़ते रहो, हैव अ नाइस टाइम एंड गुड बाय गाइस।